Hello students, in this video we'll do chapter 3, the midnight visitor, question answer, and these are textual. How is OSCIBL different from other secret agents? OSCIBL or secret agent se kaise alag dikhta hai? Generally secret agents are very smart. अधिकतर जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो दिखने में बहुत स्मार्ट होते हैं, वो काले रंग के चश्मे पहनते हैं और उनके हाथ में पिस्टल्स होती है और कभी कभी वो पार्टीज़ में जाते हैं जहाँ पर सुंदर सुंदर औरतें उनको एक मैसेज पकड़ाती है उनके हाथ में। लेकिन OSCIBL जो है वो बहुत फैट है और स्लोपी होता है, केयरलेस लगता है, जो कि एक ऐसे ग्लूमी होता है, सैड, दुख भरे कमरे में रहता है जो कि एक फ्रेंच होटल में रहता है और वो उसके पास कोई पिस्टल भी नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि OSCIBL टोटली अलग दिखता है सभी सीक्रेट एजेंट्स से। फाउलर कौन था और सबसे पहला जो उसको ऑथेंटिक थ्रिल मिलता है, मतलब वास्तविक जो रोमांचित घटना उसके साथ होती है, वो कौन सी थी? फाउलर एक यंग नौजवान लेखक है, राइटर है और वो एक रोमांटिक कहानी लिखना चाहता है। उसका सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल था जब वो OSCIBL के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में पिस्टल होती है। ये फाउलर का सबसे पहला रोमांचित घटना उसके साथ घटी। मैक्स कैसे OSCIBL के कमरे में आया? मैक्स OSCIBL के कमरे में आया दरवाजे के माध्यम, और वो दरवाज़ा खोल के आया था एक पास की से। उसके पास एक नकली चाबी थी, उस चाबी की मदद से उसने दरवाज़ा खोला और OSCIBL के कमरे में वो आ गया। OSCIBL ने क्या कहा कि मैक्स किस प्रकार उसके कमरे में आया होगा? OSCIBL ने कहा, OSCIBL सेज दैट मैक्स हैज़ एंटर्ड हिज रूम थ्रू अ बालकनी आउटसाइड द विंडो। OSCIBL ने उसको कहा, एक झूठी कहानी बताई कि उसको लगता है कि मैक्स उसके कमरे में एक बालकनी से आया है जो कि उसकी खिड़की के नीचे है। दिस इज़ लॉन्ग आंसर स्टूडेंट्स। OSCIBL ने कैसे ये मैक्स को यकीन दिलाया कि उसके कमरे के नीचे एक बालकनी है, ये लॉन्ग है क्वेश्चन का आंसर और ये एग्ज़ाम में अधिकतर आता है। जब OSCIBL ने देखा कि मैक्स उसके कमरे में है और उसके हाथ में पिस्तौल है तो उसने ये दिखावा किया कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद मैक्स ने कहा कि जो होटल मैनेजमेंट है, होटल के जो लोग हैं, इनको मैं इनके खिलाफ़ मैं एक सख्त कदम उठाऊंगा। पहले भी एक बार कोई चोर मेरे कमरे में घुस आया था और अब मैक्स तुम भी आ गए हो, और मैक्स अब तुम दूसरे इंसान हो जो कि बालकनी के माध्यम से मेरे कमरे में घुस गए हो, और ये होटल के लोगों से मैंने बहुत बार कंप्लेन किया लेकिन वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और ये सब बातें OSCIBL इतने अच्छे ढंग से कहता है कि मैक्स को इन सब बातों के ऊपर यकीन हो जाता है। मैक्स कहता है, अच्छा मैं तो दरवाजे से आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि इस कमरे के नीचे बालकनी है। और इसके साथ साथ मैक्स कहता है, अगर मुझे उस बालकनी के बारे में पता होता तो मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता जब मैं दरवाजे से आया। जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्स ने कहा अगर उसको इसके बारे में पता होता, बालकनी के बारे में, तो वो काफ़ी सारी समस्या उसकी नहीं होती, वो आसानी से इस बालकनी से आ जाता। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि OSCIBL ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया, और आपके टेक्स्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि OSCIBL ने पहले से ही प्लान के बारे में सोचा था, या जैसे जैसे घटनाएं घटती रही वैसे वैसे OSCIBL ने प्लान बनाया? बट आपके एग्ज़ाम्स में इस प्रकार पूछा जाता है कि OSCIBL ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया, हाउ डिड OSCIBL गेट रिड ऑफ मैक्स? नो, OSCIBL हैड नो प्लानिंग इन द बिगिनिंग। हकीकत में OSCIBL की शुरुआत से कोई प्लानिंग नहीं थी। व्हेन ही फाउंड मैक्स पॉइंटिंग एन ऑटोमेटिक पिस्टल एट हिम, ही यूज्ड हिज माइंड एंड स्टार्ट्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपन। और जैसे ही उसने मैक्स को देखा, उसके हाथ में पिस्तौल देखी, तो धीरे धीरे उसने अपनी मस्तिष्क का यूज़ किया, अपनी चालाकी का यूज़ किया, और जैसे जैसे घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं का उसने उपयोग किया, चालाकी से उन घटनाओं का उसने प्रयोग किया। सबसे पहले एट फर्स्ट ही कन्विंस मैक्स दैट देयर वॉज अ बालकनी आउटसाइड द विंडो। सबसे पहले उसने मैक्स को ये यकीन दिलाया कि विंडो के नीचे एक बालकनी है। लेटर व्हेन हेनरी द वेटर नॉक्ड एट द डोर, ही टोल्ड मैक्स दैट इट मस्ट बी पुलिस। और उसके बाद हेनरी जो कि एक वेटर है, जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो OSCIBL ने मैक्स को बोला कि शायद ये पुलिस है, एंड इफ़ दे सी मैक्स इन टू द रूम दे वुड शूट हिम। और ये पुलिस है और अगर ये तुम्हें कमरे में देखेगी तो ये तुम्हें शूट कर देगी। मैक्स गॉट फ्राइटन, मैक्स डर गया।
एंड ही जंप फ्रॉम द विंडो, और वो विंडो से उसने जंप किया बालकनी में छुपने के लिए। ही डाइड एट द स्पॉट, और वहीं पर मौके पे उसकी मृत्यु हो गई। दस ऑसेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स, और इस प्रकार ऑसेबल ने मैक्स से मुक्ति पाई, छुटकारा पाया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।